साथियों, बिना भूमिका के क्योंकि बहुत सारी बातें आ चुकी हैं, बहुत सारी चुनौतियों को भी रेखांकित किया गया है, उन बातों को दोहराए बिना आज जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इस भारतवर्ष में, इस देश में जो वर्ग सबसे विशाल वर्ग है मजदूरों का, उस विशाल मजदूर वर्ग की अगर स्थिति हम देखें तो एक बड़ा हिस्सा है जो आज आंदोलनरत नहीं है। और जब एक बड़े हिस्से में कोई आंदोलन आपको नहीं दिखाई देता है तो वैसी स्थिति में एक छोटे हिस्से में जब आंदोलन जैसी चीज दिखाई देती है तो अपने आप में वो विशिष्ट वस्तु बन जाती है आकलन के लिए। ये बात गौर करने वाली है कि जिस दौर में हम मजदूर आंदोलन के बारे में बात कर रहे हैं उस दौर में संपूर्ण मजदूर आबादी का केवल 8% ही यूनियनाइज है। अगर हम मजदूर आंदोलन में यूनियन की व्यापकता, उसके कवरेज को देखें तो वह केवल 8% है आज के समय, और 8% भी सरकारी आंकड़ा है, संभवतः वो 8% से भी नीचे। और उसका एक बड़ा हिस्सा जो है वो केंद्रीय जो ट्रेड यूनियन है, जिसको हम दलाल, सुधारवादी, संशोधनवादी पार्टी, चुनाव बाद जो पार्टियां हैं उसके संगठन हैं, जो मजदूरों के महत्वपूर्ण अड्डे हैं, रेलवे, खनन, बहुत सारी हेवी इंडस्ट्री का जो क्षेत्र है, उन सारे जगहों में उनका एक पड़ाव है, उनका एक अड्डा है। लगातार मजदूरों के जो हिस्सा यूनियनाइज है वो उनके अंतर्गत ही यूनियनाइज दिखता है। वैसी स्थिति में जब हमें मजदूरों का आंदोलन का एक हिस्सा जो उनसे स्वायत्त लेकर उभरता हुआ दिखाई देता है तो एक हमें नई संभावनाएं देकर दी, हमें लगता है कि एक नई संभावनाएं इस तरह के आंदोलन में मौजूद है। परंतु अगर हम इस तरीके से ही केवल देखें कि केंद्रीय जो ट्रेड यूनियन है, जो दलाल है, जिनके नेता तय करते हैं कि मजदूर क्या करेंगे, किस बात पे समझौता करेंगे, जो कमीशन खो रहे, मजदूरों को पहलकदमी करने का समय नहीं देते, पहलकदमी करने नहीं देते, उनके क्या मुद्दे होंगे वो वही डिसाइड करते हैं, या दूसरे शब्दों में कहा जाए कि उस केंद्रीय ट्रेड यूनियन में नौकरशाही प्रवृत्ति व्याप्त है, तो वैसे स्थिति में स्वतंत्र स्वायत्त आंदोलन जब उठता हुआ दिखाई देता तो हमें लगता है कि एक नया दौर शुरू हुआ है। और इस तरीके से शायद मारुति का संघर्ष, बाकी अन्य बहुत सारे आंदोलन जो घट रहे हैं उस तरह का सामान्य आंदोलन नहीं है, परंतु आकलन में, लोगों के आकलन में एक विशिष्ट रूप से ही ये नजर आता है। अगर हम आकलन की बात करें क्यों ये विशिष्ट है तो उसमें सर्वप्रथम बात जो महत्वपूर्ण है कि ये एक स्वायत्त लेकर आंदोलन है, ये केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के स्वतंत्र है, और इसलिए इसमें वो गुंजाइश है जो उन आंदोलनों में नहीं है जो उनके नेतृत्व में चल रहा है। और अगर इस गुंजाइश की बात करें तो बार बार हम देखते हैं कि इस तरीके से अगर 80 के दशक की शुरुआत से हम मजदूर आंदोलन में एक नया दौर देखते हैं कि अलग अलग जगह, अलग अलग फैक्ट्री में कुछ नए तरह के मजदूर संगठन पैदा होते जो पुराने केंद्रीय संगठनों से स्वायत्त थे, अलग थे, उससे अलग हटकर उन्होंने आंदोलन करने का सोचा। आज ज्यादातर जगह में हमें ये देखने को मिलता है कि वो इकाइयों के आंदोलन ही रह गए। इकाइयों के आंदोलन से मतलब यह है कि मजदूरों के बाकी आंदोलनों के से कटे हुए ये टुकड़ियों के आंदोलन ही रह गए। और जब ये टुकड़ियों के आंदोलन रहते हैं तब उस स्थिति क्या होती है कि बहुत बार जब आप थक जाते हैं और शासक वर्ग का, पुलिस प्रशासन का जरूरत है, ज्यादातर समय में जिस तरीके से हम लोग आकलन करते रहे हैं, अब मारुति का संघर्ष क्यों विशिष्ट है, क्यों उसके मजदूर अगुआ है और बाकी मजदूर अगुआ नहीं है, इस बात पर मैं बाद में आऊंगा। परंतु अगर सीधे सीधे इस बात को अगर समझने की कोशिश की जाए कि क्यों ये स्वायत्त स्वतंत्र उठा हुआ आंदोलन अपनी संभावनाएं खोकर फिर से उसी तरह के आंदोलन, उसी तरह के संगठनों के चंगुल में वापिस पहुंच जाता है जिसको वो चैलेंज करके उभरता है, तो क्या इसे कोई भौतिक कारण है, या जिस तरीके से लोगों के द्वारा ये बताया जाता रहा है, मैं उनकी बात नहीं करूंगा जो उस तरह के आंदोलन में शरीक हैं और जो ये मानते हैं कि मजदूर जो ये स्वायत्त पहलकदमी कर रहा है उस पहलकदमी के तौर पे मजदूर हमें बहुत कुछ सिखाएगा, हमारे पास कोई समझदारी नहीं है। बाइबल में एक लाइन है
कि माफ करना भगवान उन्हें उन्हें यही नहीं पता वो क्या कर रहे हैं। मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा हूं जो उस आंदोलन में अभी तक कुछ जानते नहीं है, कुछ समझते नहीं है, उस स्वतः स्फूर्त उभरे हुए आंदोलन में सीख रहे हैं कि आगे क्या क्या किया जाना चाहिए, उसके हिसाब से वो अपना तरीका और क्या उनके आंदोलन का रूप होगा यह तय कर लेंगे। उनको माफ कर दिया है, पर उन लोगों के जो ये मानते हैं कि उनके पास एक तरीका है और वो तरीका ये है और वो आकलन ये है कि इस तरह के आंदोलन में अराजकवाद है, यानी कि नेतृत्व की कमी है और यह आंदोलन इधर उधर भटकता रहा है, यह आंदोलन में बड़ी चेतना की कमी है, या तीसरे तौर पे इसका आकलन इस तरीके से किया जाता रहा है कि चूंकि भारत में एक क्रांतिकारी मजदूर कम्युनिस्ट पार्टी नहीं है और इस कारण से उसके नेतृत्व के अभाव में ये आंदोलन उभरते तो है, पूरी संभावनाएं होती है, तो उसके बावजूद ये भटक जाते। अगर ये तीनों कारक सही संतुलन में आज के समय में मौजूद होते तो ये कहा जाता रहा है कि ये आंदोलन अपनी संभावनाओं तक पहुंचता और अपनी इकाइयों के संघर्ष को सफल बनाते हुए व्यापक मजदूरी आबादी को वो एकजुट करके भारतीय क्रांति का काम को आगे बढ़ाता। परंतु अगर हम इसको इस सवाल की जटिलताओं को समझने की कोशिश करें कि जब एक इकाई का आंदोलन उठता है वो स्वायत्त आंदोलन है, क्यों अपनी संभावनाएं होता है, क्या केवल इतना मामला है कि उनमें उस चेतना के स्वरूप का अभाव है जिस चेतना से उनके दिमाग में ये बात आ जाए, वहां पे जो भी मजदूर शामिल है उस आंदोलन में उनके दिमाग में ये बात आ जाए कि हम अगर बाकी आबादी के साथ जुड़ जाएंगे तो हमारा आंदोलन सफल हो जाएगा। संभवतः इस चीज की भी कमी मारुति के संघर्ष में नहीं रही। मारुति के संघर्ष में लगातार मारुति के मजदूर की ये नारा लगाते रहे कि मजदूर मजदूर भाई भाई, और सभी मजदूर मारुति के समर्थन में आए। अब सवाल ये है कि अगर कोई मजदूर का एक टुकड़ा अपनी इकाई के आधार पर लड़ाई लड़ रहा है जिसकी अपनी एक स्वतंत्र मांग सूची है, जिस मांग सूची से समानता प्रत्यक्ष रूप से बाकी मजदूर नहीं जुड़ सकता है, तो वैसी स्थिति में अगर मैं अपनी इकाई के तौर पे बाकी मजदूर का आह्वान कर रहा हूं कि हमारे संघर्ष का शामिल बने, तो ये एक वर्ग चेतना का अमूर्त रूप होगा या समर्थन देने की जो चाहत है उसका एक मैकेनिकल स्वरूप होगा। क्योंकि मजदूर की एक इकाई जब दूसरे के साथ जुड़ती है तो दो स्थिति में ऐसा हो सकता है, या तो सामान्यतः मजदूर आंदोलन एक ऐसी स्थिति में है कि उसके अलग अलग हिस्से अलग अलग जगह में आंदोलन कर रहे हैं, उनके बीच में एक एकजुटता की भावना पहले से मौजूद है, उसमें एक पहले से बड़ा संगठन काम कर रहा है, पार्टी संगठन अपनी नींव डाल चुका है मजदूरों के अंदर में, तो वैसी स्थिति में शायद ये संभावना है कि उसकी एक टुकड़ी दूसरे टुकड़ी के जब उसका प्रत्यक्ष रूप से उसकी मांग के साथ उसका सीधे सीधे सरोकार नहीं है, उसके बावजूद भी वो उस आंदोलन में आने को हो सकता है तैयार हो जाए। पर वैसी स्थिति में जब इन सब चीजों का अभाव है, कोई पार्टी नहीं है आज के समय में अखिल भारतीय क्रांतिकारी पार्टी नहीं है और मजदूरों के बीच में व्यापक कोई आंदोलन नहीं, मजदूरों का एक बड़ा हिस्सा आज आंदोलन नहीं कर रहा है, प्रत्यक्ष रूप से आंदोलन नहीं कर रहा है, तो वैसी स्थिति में क्या ये संभव है कि वो केवल एक टुकड़ी को अपने उसके संघर्ष के कारण उसके जो उभरते हुए मांग है उसके समर्थन में बाकी टुकड़ियां आ जाए? क्या ये संभावनाएं ज्यादा नहीं बनती है कि जो औसत मजदूर है समाज में और औसत मजदूर जो है जो आम मजदूर है जो उसकी मांगे है उसके आधार पे वर्ग चेतना पैदा हो और उस आधार पर उस औसत मजदूर के मांगों के आधार पर मारुति के मजदूरों को भी लामबंद किया जाए, या मारुति के मजदूरों को किस तरीके से उस मजदूर के आंदोलन से जोड़ा जाए, ना कि उन मजदूरों को मारुति के आंदोलन के साथ जोड़ा जाए। या इसको आप दूसरे तरीके से समझने की कोशिश कीजिए, पूरे दुनिया में या अगर भारत का ही हम विशिष्ट उदाहरण दें, 1920 के दशक से जो लगातार भारत में मजदूर आंदोलन विकसित हुआ, ये वो दौर था जिस समय भारत में कम्युनिस्ट पार्टी नहीं मौजूद, एक अखिल भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी नहीं मौजूद थी, या अपने फॉर्मेशन के पीरियड में थी, उस समय उसकी बना अभी उसका नींव रखना और उसका विकास करना बाकी था, इतिहास के दर्द बहुत सारे कानूनी प्रावधान नहीं थे। ट्रेड यूनियन रजिस्ट्रेशन एक्ट 1926 में आता है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट बिल 1947 में आता है, उन सभी कानूनों के बिना भी भारत में अगर आप देखेंगे तो एक जनरल मजदूरों
के संघर्ष जिसमें एक टुकड़ी दूसरे टुकड़ी के साथ जुड़ के संघर्ष कर रहा है, तो आपको 20 और 30 का दशक का आंदोलन आपको दिखेगा। ये वो दौर है जिस दौर में बहुत सारी सुरक्षाएं जिनको हम तथाकथित सुरक्षा कह रहे हैं, या किसी साथी ने यह भी कहा कि हमें बहुत सारे कानून मिले हुए थे जिसके मदद से हम आंदोलन कर सकते थे। ये आंदोलन जब 20 और 30 के दशक में पैदा होता है तो उन आंदोलन को कमजोर करने के लिए बहुत सारे कानून लाए जाते हैं, और उन कानूनों का किस तरीके से असर पड़ता है मजदूर आंदोलन में, इसको समझने के लिए ये एक दूसरी बात को समझना बहुत जरूरी है कि हमारा जो मजदूर वर्ग है वो अपने अंदर बहुत सारे स्तरों और श्रेणियों में विभेदीकृत है। यहां पे मजदूर का एक हिस्से का शोषण होता है तो किसी हिस्से का अति शोषण होता है, और एक हिस्से का शोषण जो है वो औसत मजदूरों जितना होता है, यानी किसी मजदूर की अलग अलग मजदूर की टुकड़ियां हैं जिनके शोषण के दर में अंतर है। और अगर हम आज के औद्योगिक प्रणाली की तरफ नजर दौड़ाएं तो हमें दिखेगा कि ज्यादातर मजदूर जो कानूनी दायरे के अंदर नहीं आते हैं वहां पर लगातार अति शोषण का आपको एक व्यवस्था दिखाई देता है, और उसी तरीके से हमारे कानून को इस तरीके से बांधा गया है कि जहां मजदूर जिस फैक्ट्री में हाई प्रॉफिट होता है, जहां पे ज्यादा मजदूर काम करते हैं वहीं पे वो लागू हो। इसको थोड़ा समझने की जरूरत है। अगर ट्रेड यूनियन डिस्प्यूट बिल ये कहता है कि हमारे यहां किसी कारखाने में ट्रेड यूनियन डिस्प्यूट बिल लागू होता है और वहां पर 100 से ज्यादा मजदूर है, तभी वहां पर कोई भी मजदूर की जब छंटनी की जाएगी तब उस पे सरकार से परमिशन लेना पड़ेगा। इसका मतलब दूसरा ये है कि 100 से अगर नीचे मजदूर है तो इसके लिए आपको सरकार से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। जहां पे कम मजदूर है, जहां पे सुरक्षा की ज्यादा जरूरत है, वहां पे मजदूर को निकालने के लिए सरकार से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि कम संख्या में उनका कोई भी आंदोलन इस व्यवस्था को इतने जोर से हिला नहीं सकता है, इसलिए उस आंदोलन को रोकने के लिए आपको इस तरह की कानून की जरूरत नहीं है। 100 से ज्यादा मजदूर है उनको जब छट्टी करेंगे तो वो बगावत के लिए उतर जाएंगे, इसलिए उनको एक कानूनी हथियार दे दो कि अगर वो बगावत के लिए उतर रहे हैं तो पहले वो कानूनी तरीके से बगावत करें, उनकी मांगें पूरी नहीं हो तब वो गैर कानूनी स्वरूपों को आंदोलन के स्वरूपों को ढूंढने की कोशिश करें। अब अगर स्थिति यह है कि हमारा जो मजदूर वर्ग है जो अलग अलग टुकड़ियों में बटा हुआ है, अगर उसको उत्पादन प्रणाली के अलग अलग छोरों अलग अलग गोहों के तरफ पे देखें कि अलग अलग गोहों पे कैसे वो फंसा हुआ है, तो आप देखेंगे कि अगर आप ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को भी देखें जो ये कहा जा रहा है कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा संकट चल रहा है, पर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री जो भारत की है वो अपने आप में 5,000 इकाइयां हैं उसके अंदर, और उसमें होने वाले बहुत सारे उत्पादन हकीकत में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में उसका उत्पादन होता ही नहीं है, वो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से बाहर उसका उत्पादन होता है। इसका मतलब कि अगर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में हड़ताल होती है तो ये संभावनाएं बहुत बार बनती है, अगर हड़ताल बहुत सारे कानून इसी तरीके से होते हैं कि उनको लागू नहीं किया जाएगा, पर तो अगर बगावत की स्थिति है तो वहां पर कानून लागू कर दिया जाएगा। तो अगर जब बगावत की स्थिति है और कानून लागू करने की बात है तो समझौते तक बात पहुंचेगी, और जब समझौते तक बात पहुंचेगी तो वैसे टुकड़ियों में जहां पर इस तरह के ट्रेड यूनियन है, जहां पर कानूनी थोड़ी बहुत सुरक्षा है, वहां पर प्रीमियम वेज मिलता है। प्रीमियम वेज का मतलब है कि बाकी जो मजदूरों का औसत जो वेतन है उससे ज्यादा आपको वेतन मिलेगा, और वैसी स्थिति में जब आपका मांग उठता है तो बाकी मजदूर जो अति शोषण का शिकार है वो उस मजदूर के साथ जुड़ता हुआ नहीं दिखाई देता है। तो ऐसी स्थिति में क्या हम एक वर्ग चेतना का एक अमूर्त रूप लेके आए कि बस उनको समझा देना है, उसको समझा देने मात्र से चीजें वो बढ़ जाएगी, या हमें एक ऐसी स्थिति में मजदूर आंदोलन को पहुंचाना है जहां पर उसका जो मेन केंद्र जो होगा मुख्य केंद्र होगा वो उन मजदूरों के बीच में होगा जहां पे मजदूरों का अति शोषण हो रहा है। क्योंकि अब कोई कहेगा कि मजदूर का ये हिस्सा अगुआ मजदूर है, अगर यहाँ पे हड़ताल होता है तो पूरा ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री रुक जाता है, परंतु अगर मारुति में हड़ताल होता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसके 500 जो और बाकी ऑक्सिलरी यूनिट्स हैं वो सब बगावत के लिए उतर के आ जाते हैं। इंडस्ट्रियल सेक्टर का बंद होना और उनके मजदूरों का आंदोलन करना ये दो अलग अलग चीजें हैं। उस तरीके से अगर बात किया जाए तो म्युनिसिपल वर्कर जो शहर में काम करता है अगर वो अपना काम
ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री भी रुक जाएगा और जितनी भी इंडस्ट्रीज आपको देख रही है वो सारी इंडस्ट्रीज रुक जाएगी। जो संडास है हमारे घरों का उसमें रिवर्स फ्लो आने तो होने लग जाएगा। तो केवल इस तरीके से अगुआ मजदूरों को रेखांकित करना शायद मार्क्सवादी पद्धति नहीं है। मार्क्सवादी पद्धति में अगुआ मजदूर वो है जिसकी लड़ाइयों में पार्टी मजदूरों पर लड़ाइयां भी छुपी हुई है, जो वो वैसी मांग वैसी चेतना जो पार्टी मजदूरों के हित में भी है। और मारुति के मजदूरों में ऐसा कोई मारुति मजदूरों के संघर्षों में कोई भी ऐसी मांग नहीं थी जो हकीकत में सामान्य मजदूर को अपील कर सके। उदाहरण के तौर पर कोई साथी ये कह सकता है कि यूनियन बनाने का अधिकार, यूनियन बनाने का अधिकार, पहले तो ये अधिकार सही में यूनियन बनाने का अधिकार है या नहीं है इस पे सोचना चाहिए, क्योंकि हकीकत रिजर्व बिल इसलिए बनाया गया कि जब मजदूर अपना संगठन बनाए तो उसको नियम कायदे में फंसा दीजिए कि आप एक बायलॉज मानेंगे तभी आपका संगठन रजिस्टर्ड होगा, और रजिस्टर्ड नहीं होगा तो आपको वो कानूनी अधिकार नहीं है। और वो सामान्य परिस्थिति में केवल परमानेंट वर्कर्स का यूनियन बन के ही रह गया। नहीं तो आप नजर दौड़ाइए कि भारत के मजदूर वर्ग के किन हिस्सों में ट्रेड यूनियन है, तो 8% यूनियनाइज वर्कर्स किस जगह में, हाई प्रॉफिट जो फैक्ट्रीज हैं उसी में ये यूनियन कार्यरत हैं। तो ये हाई प्रॉफिट जो यूनियंस हैं, जो फैक्ट्री हैं उसके यूनियन जब अपनी जीत इकाइयों के तौर पे हासिल करते हैं तो इनको प्रीमियम बेस मिलता है, और जब ये इकाई के तौर पे अपनी जीत हासिल नहीं करते हैं तब इनको बाकी मजदूर वर्गों की साथ की जरूरत महसूस होती है। परंतु इनकी जो बाकी मजदूर वर्ग के साथ की जरूरत जो है वो एक हकीकत में वर्गीय एकता का एक संकल्पना, ऐसा संकल्पना है जो केवल आदर्श ही मात्र है, वो ऐसा उसके भौतिक आधार नहीं है। भौतिक आधार वो है क्योंकि अगर हम ये देखें कि वर्ग चेतना अब केवल किसी के अंदर डाली नहीं जा सकती, उसका एक वर्ग आधार एक भौतिक आधार होता है, और भौतिक आधार कॉमन जो डिमांड्स होते हैं वो डिमांड जो किसी भी वर्ग के अलग अलग टुकड़ियों को सामबंद करने में कामयाब हो सकते हैं वो कॉमन डिमांड ही उस वर्ग चेतना का भौतिक आधार, उसके पैदा होने का भौतिक आधार हो सकता है। तो वैसी स्थिति में मारुति का जो आंदोलन था उसने कोई भी ऐसा वर्गीय मांग नहीं उठाई। हकीकत में उसकी ऐसी मांगे थी कि हम टुकड़ियों के आधार पर जीत लेंगे, और जब जब नहीं जीत पाए क्योंकि उसी के तौर पर उन्होंने ट्रेड यूनियन उनका सर्वोपरि जो डिमांड था वो रजिस्ट्रेशन का था। और कोई ये कहे कि चूंकि रजिस्ट्रेशन का था इसलिए वो राजनीतिक डिमांड था, क्योंकि संगठन बनाने का अधिकार था, संगठन बनाने का अधिकार, परंतु वो किस तरह का संगठन बनाने का अधिकार, क्या वो संगठन केवल मारुति के मजदूरों का होगा, एक फैक्ट्री आधार पर चलने वाला यूनियन होगा। और अगर आपकी लड़ाई केवल एक फैक्ट्री के स्तर पर मजदूरों का मांग को पूरा करने वाले संगठन के लिए है तो वैसे स्थिति में मारुति फैक्ट्री में यूनियन बन सके इसके लिए बाकी हिस्सा कैसे लामबंद हो सकता है। तो शायद यही सब कारणों से आप अगर ध्यान देंगे तो करोड़ों की आबादी वाला ये दिल्ली एनसीआर क्षेत्र, इसमें मारुति का जो संघर्ष था तमाम स्वायत्तता और संभावनाओं के बावजूद इकाइयों का संघर्ष बन के रह गया, और केवल इकाइयों का संघर्ष नहीं बन गया, जब वो थक गया तो वैसी स्थिति में उसने एक ऐसे रूप का पुनरावृत्ति किया जो 20 और 30 के दशक भारत में 20 और 30 के दशक के पहले इस तरह के आंदोलन के दौर हुआ करते। जब आपके पास कोई और तरीका नहीं बचता है, आपको वर्गीय आधार पर आंदोलन करने पर विश्वास नहीं है, तो वैसी स्थिति में आप करेंगे कि आप अपने आंदोलन को और मिलिटेंट कर दें, और ये स्वर मारुति के आंदोलन में लगातार पहले से मौजूद था। ये जो 18 जून को जो घटना हुई वो ऐसी घटना नहीं थी जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता है। हकीकत में वहां मजदूरों के बीच में ये लक्षण, ये रुझान मौजूद थे, ये रुझान मौजूद थे कि अगर सीधे हाथ से नहीं निकलेगा, अगर गांधीवादी तरीके से नहीं निकलेगा तो हम भगत सिंह का भी तरीका अजमा सकते हैं, हम तोड़फोड़ करने को भी तैयार है। इसका मतलब कि हम निकाय के स्तर पे आंदोलन को और मिलिटेंट कर दें। और इसी बात पे बहुत सारी बातें भी आई है कि केंद्रीय ट्रेड यूनियन और जो स्वायत्त ट्रेड यूनियन है, जो हमारे ट्रेड यूनियन है, आपके ट्रेड यूनियन है, उन दोनों में बस एक ही अंतर है कि हम
जुझारू संघर्ष भी अब नहीं करते हैं और हम जुझारू संघर्ष करने को तैयार हैं। ये तथ्य के हिसाब से भी गलत है, क्योंकि केंद्रीय ट्रेड यूनियन भी बहुत बड़ा जुझारू संघर्ष करता है नीचे के दबाव में। जब उसके रैंक एंड फाइल उस पर दबाव देते हैं, उसके आम मजदूर उस पर दबाव देते हैं, तो वो भी जुझारू संघर्ष करने में मजबूर होता है। महत्वपूर्ण ये नहीं है कि वो संघर्ष कर रहे हैं या नहीं है और हम उसके स्वायत्त संघर्ष करने के लिए तैयार हो चुके हैं या नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि क्या उनके संघर्ष करने के तरीके और हमारे संघर्ष करने के तरीके में रूप में अंतर है। केवल अंतर वस्तु का अंतर होना, अंतर वस्तु का अंतर होना कि वो गुरदास नेता ना हो, सोनू गुर्जर नेता, ये केवल अंतर वस्तु का अंतर, स्वरूप आंदोलन के स्वरूप का अंतर नहीं, क्योंकि उसी तरीके से सारे आंदोलन चलाए गए। अब कोई ये कह सकता है कि ऐसी स्थिति में बस अंतर स्वरूप में इतना ही पैदा कर सकता था कि जो नेतृत्व और रैंक एंड फाइल और आम सदस्य के बीच में जो रिश्ता था तो उसको बदल दिया जाए। बहुत लोगों ने यह भी आकलन में कहा कि अगर हम ट्रेड यूनियन के अंदर जनवादी तरीके से उस ट्रेड यूनियन मूवमेंट को अगर चलाते, सोमू गुजर में अगर बाकी मजदूरों का एक कंट्रोल रहता, सोमू गुजर पहले कोई भी फैसला लेने के पहले अगर मजदूरों से पूछता तो वैसे स्थिति में वो गद्दारी नहीं कर सकता। क्यों स्थिति ये नहीं है कि केंद्रीय ट्रेड यूनियन है वो ज्यादा ब्यूरोक्रेटिक है, ज्यादा नौकरशाही है, और जो हमारा सोनू गुजर है जिसको हम कंधे में लेकर चारों तरफ घुमा के नई सदी का आज कोई जो हालू नेता पैदा हुआ है वो भी विफल हुआ, वो भी गद्दार हुआ, क्योंकि शायद आंदोलन करने के तौर तरीके में अंतर नहीं था। आंदोलन इकाइयों का आंदोलन था और इकाइयों के आंदोलन होने के कारण ये अपना वर्गीय स्वरूप कभी भी अख्तियार कर ही नहीं सकता था। अब वैसी स्थिति में हम लोगों का कहने का यह मतलब नहीं है कि उसमें और कोई संभावनाएं मौजूद नहीं थी, या अगर इस तरह के आंदोलन जब खड़े हो रहे तो वैसी स्थिति में बस यही कहा जा सकता है उस आंदोलन के साथ जुड़ के कि उस आंदोलन से वैसे मांग उठे जो उनके भी मांग हो और इंडिया उस इंडस्ट्रियल बेल्ट के बाकी मजदूरों के भी मांग हो, उसी साझा मांगों के आधार पर ही एक साझा आंदोलन खड़ा किया जा सकता है। और उसके साथ साथ अगर हम पूरे भारतीय मजदूर आंदोलन के चुनौतियों की तरफ अपनी निगाह डालना चाहते कि भारतीय मजदूर आंदोलन जिसको भारत में क्रांति करनी है, समाज परिवर्तन करना है, तो हमारा कार्यभार क्या होगा? जो हम नौसिखिया लोग नहीं है, जो 150 साल से दुनिया भर में जो मजदूर आंदोलन हुआ है उसका सार संकलन हमने किया है, उसके विचारधारा का संश्लेषण हमारे पास उस विचारधारा के रूप में मौजूद है, पूरा अनुभव मौजूद है। हम कोई पहली बार सावन के बाद कोई जैसे कोई अंधा होता है सावन में तो उसका हर चीज हरा दिखाई देता है, तो ऐसा नहीं है कि कोई पहली बार दिखाई देने वाली चीज है, आंदोलन लगातार खड़े होते रहे इतिहास। तो वैसे स्थिति में हम क्या करें? हम हिप हॉप डांस करने के बजाय कि कभी रिक्को में आंदोलन हो तो रिक्को चले जाए और कभी मारुति में आंदोलन हो तो मारुति चले जाए, हम खुद कहां से शुरुआत कर रहे हैं? तो मुझे लगता है कि खुद शुरुआत करने की स्थिति वहां बनती है जहां पे मजदूरों का अति शोषण हो रहा है, और चूंकि वहां पे अति शोषण हो रहा है तो शायद हो सकता है कि आज के परिस्थिति में वो निर्णायक भूमिका नहीं अदा करे। परंतु बहुत सीधा सा समीकरण है, मैं दो समीकरण आपके सामने रखूंगा कि वर्ग चेतना किस दशा में ज्यादा प्रतिफुल्लित होती है, उस दशा में जब मजदूरों के बीच में विभेदीकरण ज्यादा है या मजदूरों के अंदर विभेदीकरण कम है, और मजदूरों के अंदर विभेदीकरण कम करना आने वाले समय में एक व्यापक वर्ग चेतना को विकसित करने का महत्वपूर्ण भौतिक आधार होगा। तो हमें वर्ग चेतना बनाने के लिए सही मजदूर, समझदार मजदूरों की तलाश और अगुआ मजदूरों की तलाश के बजाय उनके बीच में जो सेगमेंटेशन है, विभेदीकरण है, उसको कम करेंगे, और उसके लिए वो जरूरी है कि हम वहां जाके काम करें जहां पे वो विभेदीकरण ज्यादा है, शोषण का दर ज्यादा है, और चूंकि शोषण का दर कम होगा तो मजदूरों के बीच का विभेदीकरण कम होगा और वो कालांतर में वर्ग चेतना को विकसित करने का महत्वपूर्ण आधार होगा। एक लाभ देता है।